नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आप मेरे सामने देख रहे हैं एक डीपी और मैं फिलहाल एक गांव में हूं और ये कुएं की डीपी है ऐसा सुनने में मिला है। यहां पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा कि आखिर क्या ये मामला है। नमस्ते, नमस्ते। आपका नाम? नारायण लाल। नारायण लाल जी, आपके इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम राजपुर है और राजपुर के अंदर भी लंबा सोड़ा गांव है तो ये काड़ाफला है। काड़ाफला है। और पंचायत? पंचायत घुरा। घुरा पंचायत लगती है। ओके, और तो आपके यहां पर ये डीपी का क्या मामला है? डीपी का ये मामला है कि साल भर हो गया है और डीपी खराब हुई थी। तो हम लोगों को कोई मालूम नहीं था कि कहाँ से खराब है ये। तो इनको एक सूचना दी विद्युत विभाग को, तो इन लोगों ने बताया कि एक बार तो ये वायर के जल गए हैं। तो भाई वायर जल गए हैं तो आप वायर बदलो। तो वायर भी लंबे हैं, यहाँ डीपी से कुएं तक दो पुल है। तो ये वायर तो के एक बार तो बताया कि आपको लगेगा ये, भाई हम तो बिल भर रहे हैं और आपको ये आपकी जिम्मेदारी है विभाग की कि मतलब ये वायर आपको बहुत महंगा है, वायर मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इन लोगों ने वायर का फिर ये बंद रखा। फिर वापस डीपी में आके देखा कि भाई वायर में के कोई कमी नहीं है, कि डीपी में ऑयल डालना है, कि ऑयल की कमी है। तो जो भी है, जो मैंने बताया कि आप ठीक करके दो, हम तो इस मामले में अनटंड हैं और विद्युत का कोई हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो यो करके ने फिर बताया तो इन लोगों ने ऑयल भी नहीं बदला। फिर लास्ट में जाकर हम लोगों ने एक 3700 का बिल भरा और 700 रुपये की रसीद भी कटवाई और फिर मैंने कहा कि ये आप हमको ठीक करके दो। तो इनके बाद में भी इन लोगों ने ठीक नहीं किया। फिर धीरे धीरे ये गर्मियों का गया समय, उसमें अकाल की स्थिति थी तो पानी भी अपनी कम पड़ा। तो हमने खेती भी साल भर की नहीं, साग सब्जी थी और पौधे थे, जामफल के पौधे थे, आम के थे, नींबू के थे। तो दो तो आम सूख गए, मैंने दो तीन नींबू के पौधे थे वो खत्म हो गए और साग सब्जी नहीं हो करके हमने ठोक दिया था कि भाई अभी तक अब अकाल पड़ा है तो अब पानी की, वैसे पानी की भी कमी है, हमारे कुएं में तो पानी की कमी नहीं थी, साग सब्जी तो बच जाती, लेकिन इनकी लापरवाही से ये ठीक नहीं किया जब तक ये पौधे खत्म हो गए। तो मैं भी नाराज होके ना फिर बैठा, अब पौधे भी खत्म होवे तो होवे लेकिन अब नहीं करना है यूं करके। तो ये समय हो गया, अभी तक आज दिन तक इन लोगों ने नहीं किया और अब साल अच्छा हुआ, पानी अच्छा हुआ, अभी ये सारी कुआ भी भर गया है, पानी खूब है हमारे कुएं में, लेकिन अभी तक ये ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमने एप्लीकेशन दी है मुख्यमंत्री कलेक्टर को, ने सब जगह अपनी दो सारे एप्लीकेशन दी है। तो अब क्या करते हैं, फिर कहीं आएंगे। पहले कहाँ एप्लीकेशन दी थी? शुरुआत में तो कोटड़ा कार्यालय में, ऑफिस में ही जयंत साहब को और हेल्परों को, इनको बताया था। तो उन्होंने क्या बोला? इन लोगों ने बताया कि यहाँ आके देखते थे कि यहाँ के एक बार तो राजा राम हेल्पर था, उन लोगों ने बताया कि अरे के कोई कमी नहीं है, खाली के डीपी में ऑयल बदलना है। तो भाई ऑयल बदलने की आप एप्लीकेशन दो। तो मैंने वहीं से कागज लेके एप्लीकेशन बना के फिर दी ऑयल बदलने के लिए, लेकिन ऑयल बदलने के लिए भी नहीं आए। ये परिस्थिति हुई। तो ये जो डीपी खराब है इसकी वजह से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने परिवार? तो ये 10 परिवार हैं और ये सेवा मंदिर की तरफ से लिफ्ट है। तो 10 परिवार, पहले तो बहुत 20-25 काश्तकार थे, लेकिन अब तो 2-3 सार कुएं हो गए हैं। तो अब हम इस कुएं पे, इस लिफ्ट पे 10-12 काश्तकार हैं। तो 10-12 काश्तकार हैं तो ये इनको सबको पानी मिलता है और गर्मियों के दिन में ये 8-10 लोगों के परिवारों के लोग पानी पीते हैं, मवेशी को पिलाते हैं। और ये डीपी किसी एक व्यक्ति के नाम से है या? डीपी तो एक ही व्यक्ति के नाम से है। किसके नाम? मेरे पिताजी के नाम से ही है। क्या नाम है? मोडा जी, बाबू जी, पारगी। ओके, राजपुर काड़ाफला। ठीक है। और ये कब से लगाए हुए? ये 2011 से लगाया है, 2011 से लगाया है और आज दिन तक मेरा बिल कोई बाकी नहीं है। ये गड़बड़ी लापरवाही विभाग ने की है।
हम लोगों ने नहीं किया, नहीं तो मैंने एक साल में बड़ा बड़ा बिल भी भरा है, हमने 8-8 हज़ार रुपये बिल भरा है और सारे बिल हमने अवेयर के रखे हैं, कम से कम 1 लाख रुपये तक तो मैंने बिल जमा किया है। और ये लास्ट में ये अपने पिछले साल ये गड़बड़ी हुई है, डीपी में खराब हुई है, अब 11 से 18-19 तक तो डीपी सही सलामत चली और एक भी बिल मेरा बाकी नहीं है। उनका रिकॉर्ड खोल के देख ले मैं, इनका कहना है कि ये जानबूझ के बिल नहीं भरते हैं, तो हमने लगातार बिल भरते आ रहे हैं लेकिन ये लापरवाही से ये खेती जला देते हैं, सही काम नहीं करते हैं। तो आप उन अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहते हैं? अधिकारियों से तो मेरा तो आज भी यही निवेदन है कि डीपी है तो बदल देवें और व्यवस्थित खेती करें और जो नियम के अनुसार जो हम बिजली का खपत करते हैं तो वो बिल हम आएगा तो भरेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नारायण जी और कनेक्शन क्या टूटा हुआ है, उन्होंने काट दिया। तो हमारे साथ थे नारायण जी और आप देख सकते हैं डीपी यहाँ पर ये हैं जो कि ख़राब है। अब क्या ख़राबी है वो तो यहाँ जो बिजली विभाग वाले हैं वही आके देख के बताएंगे और इसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस डीपी को ठीक किया जाए और यहाँ जिन लोगों को इस वजह से परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटा टाइम्स में।